चलिए बनाते हैं लेमन और मिंट जूस। गर्मियों के मौसम में कोल्ड ड्रिंक से अच्छी तो कोई चीज़ होती नहीं है। ये आज हम ऐसे दो कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं जो बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी भी होंगे, और जब भी हमारा दिल करेगा हम चुटकियों में बनाकर पी सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लेमन जूस बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए ताज़े और रसीले 10 से 12 नींबू ले लेंगे हम। उसे कट करके अच्छे से सारे नींबुओं का रस निकाल लेंगे। सारे नींबुओं का रस मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। अब हम इसे एक आइस ट्रे में नींबू का रस डाल देंगे और फ्रीज होने के लिए इसे रख देंगे। जब भी हमारा दिल कहेगा हम आइस क्यूब्स निकाल कर पानी में डाल के हम इसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक बॉटल में भी लेमन जूस डाल के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। लेमन जूस में शुगर तो पड़ती ही है, और भी आसानी के लिए मैंने एक बाउल में पानी और शक्कर डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। अच्छा, शुगर सिरप जब तैयार हो जाएगा तो उसे ठंडा करके हम बॉटल में इसे भी फ्रिज में भर के रख देंगे। ठंडा होने के बाद प्लास्टिक या कांच की बोतल में आप ये शुगर सिरप निकाल के फ्रिज में इसे रखेंगे तो सेफ साइड रहेगा। अब हम मिंट जूस बनाने के लिए पुदीने के पत्तियां तोड़कर उसे अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम पुदीने को पानी में डालकर अच्छे से उबाल लेंगे। कभी पुदीने का येलो कलर भी आता है तो इसके ग्रीन कलर के लिए हम थोड़ा सा एक पिंच ग्रीन कलर फूड कलर ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद इसे भी कूल होने देते हैं, फिर स्ट्रेन कर लेंगे इसे। अब इसे भी एक आइस ट्रे लेकर हम इसे जमने के लिए रख देंगे। आइस ट्रे में ये मिंट जूस हम डाल देंगे। देखिए, आप मैंने आइस ट्रे ले लिया है। सेम वैसे ही हमने जैसे लेमन जूस को फ्रीज होने के लिए रखा है, अब हम मिंट जूस को भी फ्रीज होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इसमें हम एक एक मिंट लीव भी रखेंगे ताकि जब ये पानी में घुले तो मिंट लीव्स आएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए, हमारे लेमन और मिंट जूसेस फ्रीज होके तैयार है। तो चलिए अब हम जूस बनाते हैं। एक गिलास पानी ले लूँगी मैं, ठंडा पानी। अब एक चम्मच या दो चम्मच आप जो शुगर सिरप बना के रखे उसे ऐड कर दीजिए। अच्छे से हिलाइए और लीजिए लेमन के जो हमने आइस क्यूब्स बना के रखे हैं, एक या दो आप अपने ग्लास में डाल लीजिए। तो चलिए देखिए, झटपट हमारा लेमन जूस बनके तैयार है। बिल्कुल एक मिनट से कम समय में आपको ये ड्रिंक बन जाएगा। कभी आपके पास मेहमान भी आए तो झटपट आप क्यूब्स निकालिए, शुगर सिरप बना हुआ है लेकिन झटपट आप बना के दे सकते हैं। जब भी आपका दिल करेगा आप बना लीजिए। अब हम मिंट जूस बनाते हैं। वैसे ही मिंट के क्यूब्स डाल देंगे हम, उसे अच्छे से हिलाइए। इसमें एक चुटकी चाट मसाला डालिए और झटपट आप इसे पी जाइए। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और कूलिंग इफेक्ट रखता है। थोड़ा सा काला नमक भी आप ऐड कर सकते हैं, सौंठ भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर से आप चाट मसाला ऐड नहीं करें तो ये दो चीज़ें ऐड करके पीजिए। तो हमारे दो बेहतरीन जूसेस बनके तैयार है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।